बुरहानपुर जिले में कॉलोनाइजरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कॉलोनाइजर विजय साबले और शाम दातेराव द्वारा होटल उत्सव के पीछे एक कॉलोनी काटी गई थी, उसी कॉलोनी में इन कॉलोनाइजरों द्वारा नेपा नगर निवासी अनिल अहिवे और आशा अहिवे को 1000 वर्गफीट के 2 प्लॉट 9 लाख रुपए को लेकर रजिस्ट्री के माध्यम से बेचे थे। प्लाट खरीदने के बाद दंपति द्वारा कॉलोनी में जाकर मूलभूत सुविधाएं देखना चाहिए तो उन्हें पता चला कि यहां कोई कॉलोनी काटी नहीं गई है। जब इस संबंध में जमीन मालक से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि कॉलोनाइजर विजय साबले और श्याम दातेराव ने उन्हें जमीन खरीदी के रुपए आज तक दिए ही नहीं। जब इस संबंध में कलेक्टर भव्या मित्तल से चर्चा की गई तो उन्होंने जांच का भरोसा दिलाया। गुरु कृपा डेवलपर्स नाम से एक कॉलोनाइजर था, बाद में हमें पता चला कि वो अवैध कॉलोनाइजर है। और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ जो खेत मालिक था कि उसने कहा कि भैया मुझे मेरा पैसा मिला नहीं और विजय साबले का यहाँ कुछ नहीं है। तो मैंने 2019 में उसकी जो भी टर्म्स कंडीशन थी उसके हिसाब से उसको पेमेंट किया है और उसने कहा था कि भाई मैं साल भर में आपको बिजली पानी सड़क वड़क सब कर दूंगा। और उसने वो जो वाउचर्स वगैरह जो होते हैं उसके विज्ञापन वाले उसमें लाके उन्होंने बताया तो मुझे, और उसके जो डॉक्यूमेंट थे उसकी मालिकाना के वो भी उस समय मुझे ऐसा लगा कि ये लीगल है। उस बेस पे मैंने वहाँ 2000 स्क्वायर फीट 410 के हिसाब से वो प्लाट लिए और 80,000 अलग से बिजली के लिए उसको पेमेंट किया। शहर के अंदर पूरे जिले के अंदर अवैध कॉलोनियों का मकड़ जाल फैलता जा रहा है, उसको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी? पूर्व में से भी 2 से 3 प्रकरणों में हमारे SDM बुरहानपुर ने FIR भी दर्ज की है, उसकी कार्रवाई भी कोर्ट के माध्यम से की जा रही है। एवं अभी भी कुछ हमें अवैध कॉलोनियों की शिकायत आई है जिसमें भी अभी जाँच चल रही है और जाँच के उपरांत अपन FIR भी करेंगे और उस पर कार्रवाई भी करेंगे।